Yes, good morning. हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट ज्योमेट्री और लेक्चर हो गए हैं हमारे। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, इस सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दो मिनट के लिए हम लोग वो देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो पढ़ा था स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का स्लोप क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी लाइन है स्लो क्या था, दो बातें बताई थी मैंने, दो तरीके से आपको स्लो बताया था। कोई भी लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल मेक कर रही है, मान लो ये लाइन है कोई एल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल मेक कर रही है, तो टेंजेंट थीटा लाइन का स्लोप हो जाएगा। क्लियर? बस ठीक है। ये सेकंड मेथड क्या है, स्लोप अगर मुझे लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स पता है, पॉइंट ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट को क्या बोल दिया एक्स वन वाई वन, बी पॉइंट को क्या बोल दिया एक्स टू वाई टू, तो भी मैं लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। और लाइन का स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एम यूज करते हैं, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन। अगर थीटा पर है तो एम इज इक्वल टू थीटा का टेन ले लो, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन। ये हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा जी, और क्या पढ़ा हम लोगों ने, इक्वेशन ऑफ लोकस एंड लोकस। लोकस, लोकस इज द पॉइंट विच मूव्स अंडर गिवन कंडीशन। ओके, कोई भी कर्व या जो पॉइंट को मूव करवाने से हमारे पास ऑब्टेन होगी। ये हम लोगों ने पढ़ा इक्वेशन ऑफ लोकस, एन इक्वेशन व्हिच सेटिस्फाई ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व। वो इक्वेशन जो भी फिगर आएगी उसके जितने भी पॉइंट्स हैं जिनको सभी को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ लोकस। मान लो लाइन है, लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को सेटिस्फाई करने वाली जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, लाइन की इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सभी को समझ आ गया होगा स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस। मेरे पास कोई लाइन है L, ये लाइन मैंने L को बड़ी ध्यान से समझ लिया, x एक्सिस को मान लिया A पर कट करती है, y एक्सिस को वहां पर कट करती है, B पर कट करती है, ये हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस, अभी जो लाइन है ठीक है, L जो लाइन है इसका x एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट है, इसका x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो a, o a है। देख पा रहे हो, ये मेरा क्या है x इंटरसेप्ट, और y एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट है o b है। आई बात समझ, ये मेरा x इंटरसेप्ट और ये क्या है y इंटरसेप्ट, और a b इज लेंथ ऑफ लाइन बिटवीन एक्सिस, a b इज लेंथ ऑफ लाइन बिटवीन एक्सिस, या ये भी मेरा ठीक है। अच्छा और सुनो, इसके बाद ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ओ ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट क्या है बी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। सुनो इस बार ओ ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट, ओ बी क्या है वाई इंटरसेप्ट, बट हमें थोड़ा साइन का भी ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट भी क्या है पॉजिटिव। इस क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है और सॉरी एक्स इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है और वाई इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव। कोई भी लाइन ऐसे हो सकती है, क्या है एक्स इंटरसेप्ट भी नेगेटिव और वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। ये बात आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ से यहाँ तक वाई इंटरसेप्ट, दोनों नेगेटिव। अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, लाइन ऐसे हो सकती है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो आपको बताइए पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेंगे। कहने का मीनिंग क्या है, जो x इंटरसेप्ट होगा जो ना जहां पर लाइन x एक्सिस को कट करेगी ओरिजिन से वहां तक की डिस्टेंस x इंटरसेप्ट, और जहां पर लाइन y एक्सिस को कट करेगी ओरिजिन से वहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या होती है y इंटरसेप्ट। साइन कन्वेंशन
एस्ट इज इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में साइन चेंज होता है, ओ ए पॉजिटिव ओ बी पॉजिटिव, ओ ए नेगेटिव ओ बी पॉजिटिव आपको, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड इट्स टेंजेंट पर, ये आपको नोट कर लेना बहुत अच्छे से सभी बातें। स्ट्रेट लाइन एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से हम लोग पढ़ के आए हैं, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वी एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, किसी भी लाइन की क्या है ये जनरल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल, ये सभी बातें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसे क्या है पैरेलल, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस के भी बोल दिया बी यूनिट, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी बी यूनिट, ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा जीरो, बी होगा या नहीं होगा, क्लियर। तो अगर ये बात आपको समझ आती है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी डिस्टेंस बी यूनिट है, क्या है बी यूनिट, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी y is equal to b हो जाएगी, y is equal to b हो जाएगी। अच्छा y is equal to minus b भी हो सकती है, क्योंकि b तो यहाँ पर क्या हो सकती है x एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी क्या हो सकती है b, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा जीरो, माइनस भी हो जाएगा, लाइन इक्वेशन क्या हो जाएगी y is equal to minus b हो जाएगी, ठीक है। तो वही सिंपल सी बात होता है, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और उसकी डिस्टेंस x एक्सिस से b यूनिट है, x एक्सिस से क्या है b यूनिट, तो लाइन की इक्वेशन होगी y is equal to b, अगर जो लाइन है वो x एक्सिस से ऊपर की तरफ है अब है, ठीक है, अगर लाइन डिस्टेंस b है और लाइन नीचे की तरफ है बिलो है, तो इक्वेशन क्या होगी y is equal to minus b, हाँ जी, इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू माइनस b होगी, इक्वेशन क्या होगी y is equal to minus b, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इसमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, कोई लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल उसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से ए यूनिट है, कितने यूनिट है ए यूनिट, अगर डिस्टेंस ए यूनिट है ये पॉइंट कितना होगा ए जीरो, तो हाँ जी क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू ए हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए, हाँ जी, अगर ये ही लाइन लेफ्ट की तरफ है y एक्सिस के, ये पॉइंट कितना हो जाएगा माइनस ए जीरो, डिस्टेंस a है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस ए, राइट की तरफ है तो पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव, क्या हो जाएगी इक्वेशन x इज इक्वल टू ए एंड x is equal to minus a, clear? ये आप बात कर लिए, 9th में पढ़ता हूँ लोगों ने 10th में। आगे बढ़ते हैं,
point slope form of a line. Point, very very important. Point slope form of a line. Point slope form of a line. क्या मीनिंग है इस बात का? आपको एक लाइन गिवन है, ठीक है, कोई भी लाइन जैसे गिवन है, इसका स्लोप m है, लाइन का स्लोप क्या है? m है, और लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट पता है a, a पॉइंट है वही x1 पॉइंट, यानी मुझे क्या गिवन है? मुझे लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है एंड मुझे लाइन का स्लोप गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, यानी मुझे एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, मुझे लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है? अब सुनो, अगर मुझे पॉइंट पता है लाइन के ऊपर, स्लोप पता है, तो मैंने एक जनरल पॉइंट बोल दिया जिससे हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, पी एक्स वाई, मैंने लाइन के ऊपर क्या बोल दिया, जनरल पॉइंट बोल दिया, क्लियर? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं, ए बी। अब बताओ मुझे लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स पता है? दो पॉइंट्स पता है। अगर मुझे लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स पता है तो मैं लाइन का स्लोप फाइंड कर सकता हूं। बताओ लाइन का स्लोप क्या होगा? ये पॉइंट वन x1 y1, ये पॉइंट x2 y2, तो लाइन का स्लोप होना चाहिए y - y1 चेंजेस ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x वेक्टर, x - x1 = m, एंड ये क्या आ रहा है यहां से, y - y1, y - y1 = m * x minus x1, this is equation of line, this is equation of line, ये line की equation होगी, देखो x1 y1 आपको given होगा, m भी आपको given होगा, तो पूरी equation में क्या बचेगा, x और y बचेगा। example ले लेते हैं, for example मेरे पास एक line है, वो पास हो रही है माइनस टू वन से, पास हो रही है, इसके पास हो रही है माइनस टू वन से, और इसका स्लोप वन बाई टू है, इसका स्लोप क्या है, वन बाई टू है, मुझे लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं मैंने, एक्स वन वाई वन, और स्लोप को क्या बोल देते हैं हम लोग, एम बोल देते हैं, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स वाई जो जनरल पॉइंट है कोई भी, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन, वाई माइनस वन इज इक्वल टू एम इंटू वन बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस टू हो जाएगा, टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आप इस लाइन की इक्वेशन देखोगे तो आपको यही मिलेगी, टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो। अगर कोई क्या बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, आपको एक पॉइंट गिवन है, एक स्लोप पता है, सेकंड मैंने जनरल पॉइंट कंसीडर किया, मुझे लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स पता चल गए, स्लोप का फॉर्मूला है वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, तो इक्वेशन आ रही है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स, क्लियर? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग slope m, उस लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप m, उस लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास कर रही है और उसका स्लोप m है, वही सेम तरीका है। अब डायरेक्ट अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो ये पॉइंट क्या रहा होगा, जीरो जीरो, मुझे एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, जो पॉइंट गिवन है मेरे को पता है तो क्या बोल दिया मैंने x1 y1, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी y - y1, y - 0
is equal to m into x minus x1, x minus 0, तो लाइन इक्वेशन हो जाएगी y is equal to mx. ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए. अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, अगर कोई लाइन कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास करती है और उसका स्लोप m है, तो लाइन इक्वेशन होगी y is equal to mx. तो ये लाइन है हमारे पास, लाइन का स्लोप 2 है, लेफ्ट स्लोप क्या है 2 है. अगर आप इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करोगे तो एक इक्वेशन आएगी y is equal to 2x, y is equal to 2x. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m लाइन.
तो बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा है इक्वेशन ऑफ लाइन कार्बन टू एक्स एक्सिस क्या होती है y इज इक्वल टू समथिंग होती है जो भी इंटरसेप्ट रहा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू समथिंग और टू पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म ही सबसे इंपॉर्टेंट है अगर मुझे एक पॉइंट और स्लोप पता है तो मैं बड़े आराम से लाइन की इक्वेशन ठीक है क्वेश्चंस पर चलते हैं हम Find out the center of triangle. Find out the center of triangle whose vertices are a 7-1. ध्यान से देखिए क्वेश्चन से बच्चे b 2-2, 8 and C 1-2. Find both center of triangle whose vertices are A 7-1, -2, 8 and 1-2. अभी तक जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा सर्किल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने पाइप के बस सीखे था अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस भी बने कैसे OA is equal to OB is equal to OC से हमारे पास सर्किल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते थे सर्किल सेंटर के फाइंड करना सीख लिया इन सेंटरों को हमने फाइंड करना सीख लिया था ax1 + bx2 + ax3 / a + b + c करके अच्छा इस सेंटर को फाइंड करना भी हमने सीख लिया था क्या था हमारा फोर्थ ऑफ सेंटर जहां पर परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स इज नोन एज फोर्थ सेंटर ऑफ ट्रायंगल abc गिवन है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ध्यान से देखें ए जहां पर मिलेंगे वो पॉइंट मुझे फाइंड करना है ठीक है देखते हैं द फर्स्ट परपेंडिकुलर ए से डाल दिया सेकंड परपेंडिकुलर मैंने कहां से डाल दिया बी से जहां पर मिलेंगे दो पॉइंट्स का दो लाइंस के परपेंडिकुलर जहां पर मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा ऑर्थो सेंटर थर्ड तो यहीं से पास होगा ऑर्थो सेंटर को डॉट कर दिया मैंने एच से एच मुझे फाइंड करना है क्लियर ए बी सी गिवन है तो ए कितना गिवन है 7-1 बी कितना गिवन है -2, 8 और सी कितना गिवन है मुझे 1 and 2 गिवन है ध्यान से देखिए अब आपको करना क्या है इसको बोल दिया मैंने ए डी और इसको क्या बोल दिया है बी जल्दी से पहले से नोट कर रहे अब ये मिड पॉइंट तो होगा नहीं तो कंपल्सन करना है कि ये मिड पॉइंट होगा मुझे कोई ऐसी सीरीज या इक्वेटेड ट्रायंगल थोड़ी गिवन है एक बार बताओ क्या मैं स्लोप ऑफ बी सी फाइंड कर सकते हैं जल्दी से बताओ स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा स्लोप ऑफ 2-8 - 6/3 स्लोप ऑफ बी सी आ रहा है स्लोप ऑफ बी सी क्या है -2 अब जब बी सी का स्लोप -2 है तो ए डी का स्लोप परपेंडिकुलर है नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा लास्ट टाइम पढ़ा था हमने स्लोप ऑफ ए डी is equal to 1/2 yes or no okay then uske baad the slope of ac slope of ac kya hoga ac ka slope 2 + 1 = 3 1 - 7 - 6 ye hoga na -1/2 स्लोप ऑफ एसी है -1/2 स्लोप ऑफ बीई परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप 90 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 हो जाएगा मतलब रहेगा 2 हो जाएगा तो मुझे क्या एडी का स्लोप कितना है स्लोप ऑफ एडी 1/2 स्लोप ऑफ बीई 2 आ रहा है दोनों लाइंस एक दूसरे में परपेंडिकुलर नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं है सिर्फ स्लोप रेसिप्रोकल है ठीक है उससे तो हमें कोई मतलब भी नहीं है अब मैं क्या करता हूँ मुझे
एडी और बीई का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करें। यहाँ पर हमने एडी और बीई का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे फाइंड करना है। अगर मैं एडी और बीई की इक्वेशंस लिखूँ, एडी और बीई की क्या लिख लूँ इक्वेशंस, और दोनों को सोल्व कर दूँ तो मेरे पास एच आ जाएगा, क्योंकि एच इज द कॉमन पॉइंट इन एडी एंड बीई। चलिए जी, इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ एडी, हाँ जी एडी की इक्वेशन। आप सुनो ध्यान से, एडी का स्लोप कितना है 1/2, और जो एडी है वो ए से पास हो रही है, 7-1 से पास होती है, 7-1 से अगर पास होती है तो लिखो एडी की इक्वेशन y-y1, नेक्स्ट तो y हो गया y+1 m स्लोप 1/2 × x-7 2y+2 = x-7 2y-x = -9 और x-2y = 9। दिस इज इक्वेशन ऑफ एडी। क्या समझ में आया सर? सुनो, इतनी देर से हम लोग ये तो बता रहा हूँ आप लोगों को, जो एडी है वो ए से पास हो रही है और इसका स्लोप 1/2, तो बड़े आराम से एडी की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इक्वेशन ऑफ बी, इक्वेशन ऑफ बी ई, हाँ जी बी ई की इक्वेशन, बी ई का स्लोप 2 है तो कहाँ से पास होती है, बी की लाइन -2/8 से पास होती है, इक्वेशन होगी y-y1x2 = slope (x+2), यहाँ से आ रहा है y-2x = 12, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन की है फर्स्ट एंड ये सेकंड। उसके बाद अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो बड़ा आराम से सॉल्व कर लो, इसमें जो है x और y की यानी वो पॉइंट आएगा जो फर्स्ट का सॉल्यूशन है और सेकंड का सॉल्यूशन है, ऐसा उसके सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपके पास, h पॉइंट आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x - 4y = 18 और सेकंड इक्वेशन -2x + y = 12, कैंसिल, -3y = 13 और y = -10, y के लिए -10 यहाँ पर पुट कर देते हैं, -2x = 22 और x = -11, ये जो पॉइंट आएगा आपका क्या आएगा -10 - 11 आपका। आई थिंक समझ आया वो सब नहीं। अच्छा, उसके साथ साथ अगर कभी आपसे पूछे
Find the equation of sides of triangle whose vertices are. Find equation of sides of triangle whose vertices are -2, 8, 1, 2, and 7, -1. Find the length of median through the first vertex. Find length of median through the first vertex. बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है. Find the equation of line passing through. Find equation of line passing through points 1, 2, and -3, 4. Find the equation of line passing through 3, -5 and parallel to the line joining points 1, 2, and -3, 4.
30 कितना हुआ माइनस रूट जीरो हो जाएगा।
लाइन कहाँ से पास होती है, 1-5 से पास होती है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा मेरा x1 y1 और स्लोप माइनस, तो लाइन इक्वेशन y-y1 y+5 √3 × x-1 प्रोग्रेस ऑफ y+√3x √3 − 5 इसे इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर हुआ सभी को आज का टॉपिक? ओके, तो आपको करना क्या है, बहुत ही अच्छे से नोट्स बना ले सभी क्वेश्चंस और जो भी आपको असाइनमेंट मिलता है वो आपको साथ के साथ कंप्लीट रखना है, ठीक है। एडमिशन मार्क्स सभी ने कंप्लीट कर ले होंगे तो आप रेजिडेंस शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको प्लीज कोई भी क्वेश्चन आप डाउट्स के लिए ना छोड़े, आप कहीं से भी हेल्प लें, मुझे सेंड करें या जो भी आपके पास सोर्स है वहाँ से आप हेल्प लें, बट आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। आपका जो चैप्टर है वो दोबारा नहीं होगा, बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम आप लोगों के पास, तो उन चैप्टर को बहुत अच्छे से खत्म करना है, ठीक है। ओके।